हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं नहाई तो मैं सुबह थी। मैंने अभी सिर अभी वॉश किया तो बाल गिल्ले हैं। और आज है भाई दूज, सभी को हैप्पी भाई दूज, जो भी भाई वगैरह हैं उन सभी को। और तो अभी मम्मी के भाई आए हैं, मम्मी का रे टिक्का। मेरा भाई तो अभी आया नहीं है, वो देखते हैं कब तक आएगा। तो और मायरू ने भी कर दिया कानू को टिक्का, वो मैं आपको आपको मेरे आगे ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। चलिए अभी करते हैं और बाकी का काम जो भी बचा हुआ है, किचन साफ वगैरह। वो अंदर रखा हुआ उसका पजामा बड़ा है। चलो आज हमने तो चावल भी डाल दिया अपने दानों में। खुद ही खा लेगी हो। अपने आप खिलाएगी, खिलाती है, पानी भी पिलाती है, खिलाती भी है। यहाँ नहीं रुकना, बच यहाँ देखो, नीचे नहीं रुकना, दूसरे खिलाई दूसरे। ले तेरे लगाएगी। ले ले मम्मा के लगा दे। मम्मा के बुलाओ, मम्मा के लगाओ। हाँ मम्मा के लगा दो। चलो चलो जल्दी जल्दी करो, मम्मा के लगाओ। चलो उठ उठ उठ, मम्मा के लगा दो, मम्मा के लगाओ। अच्छा अपने भी लगा ले। अब मैं लगाऊंगा माऊ के, माऊ के मैं लगाऊंगा, अपने माऊ के, अपने माऊ के मैं लगाऊंगा, अपने माऊ के मैं लगाऊंगा। बच चलो ये भी तो रखने होंगे, आज वही माता है ना, सारे रखेंगे, सुबह रखेंगे कल। हाँ ले सूट दिखा दे सबको, कैसा लग रहा है? पोगो अपना सूट दिखाइयो। पोगी और यहाँ ज्योति धो रही है बर्तन। कैसा लग रहा है ज्योति? किचन देखो कितने अच्छे से साफ करती है। एक एक बर्तन मतलब अभी कर ही नहीं पर करेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा टच अप सा तो कर ही दिया ना। फाइनल लुक तो अभी देगी, अभी दिया नहीं है। तो ज्योति आज, ज्योति को जाना था घर, लेकिन इसके घर जाने के लिए बस नहीं है। तो इसका रोने वाला वो हो रहा है, अब क्या कर सकते हैं बताओ। संडे को होती नहीं है बस, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जो मेन बात है वो ही है कि मैं 16 साल से अपने भाइयों को टिक्का करती आ रही हूँ, आज नहीं करूंगी तो उनको बुरा लगेगा, मेरे को बुरा लगेगा। हाँ तो वही बात है ना, पैसों का ही लालच है बेटे, तभी तो जा रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। मैं नहाकर आ गई हूँ, अब पीऊँगी एक गिलास गरम पानी। और पीछे आपको डब्बे दिखाई दे रहे होंगे। अब हो रहा है हमारा मॉर्निंग का काम स्टार्ट। तो यहाँ प्याज काट के रखे हैं, उसमें दाल छौंकनी है, अंदर किचन में सब्जियां वगैरह बन रही है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बन गई है कि बन चुकी है आई डोंट नो, लेकिन जो भी है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। चलिए दिखाती हूँ क्या बन रहा है भाई आज। कल बिजी बिजी सा डे था तो ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाया।
तो सब्जी तो ढकी हुई है, दिख नहीं रही है मुझे। इसको खोलना भी। ओ शिरे, ओशी ओशी, ये देखो शिमला मिर्च है, ऐसे दिखा देती हूँ। आई इधर बन रहे हैं चावल। ओके, और अभी नाश्ता बनेगा। किचन अभी तो देखो पूरी क्लीन है। अब थोड़ी देर में दिखाऊंगी आपको मैं किचन का हाल। अभी तो पूरी क्लीन है, क्लीन, झाड़ू वगैरह सब लग चुका है। इसने लगा दिया है, देखो नहाती नूती है नहीं, ये देखो। हाय राम, आप तो मेरे से पहले बात। और यहाँ पे भी ये देखो पैकिंग की तैयारी चले। इधर देखो आप, चावल भी बन गए और रायता भी बन गया है ना, और सब्जी बन चुकी है। बस अभी पैकिंग करते हैं हम तो। इधर भी अभी इधर के दो गद्दे हैं हमारे रूम में। कल मेरा भाई आया था ना, वो सोया उन पे, तो वहाँ पे लगाए हैं। तो अभी इधर का थोड़ा सा सेटअप गड़बड़ा रहा है, थोड़ी देर में इसको सही करके फिर देखना आप। और वो बैठे हमारे ठाकुर जी, ठाकुर जी से तो मिल लीजिए। ये देखिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो चलिए अभी हम करते हैं काम, उसके बाद मिलेंगे आपसे। गाइस गौर से देखो इस औरत को, इतने दिनों बाद आई है ये। हाँ भाई, कैसा लग रहा है इतने दिन बाद आके? बहुत अच्छा लग रहा। आज तो मम्मी ने मुझे फ्लाई कर दिया। मुझे बहुत याद आ रही थी यहाँ की। हाँ तभी जा रहे थे बाहर बाहर से, तभी जा रहे थे बाहर बाहर से, की याद आ रही थी मेरे को। तभी तो बाहर बाहर से मुड़ मुड़ के चले गए थे दो सड़क। गाइस यूट्यूब पे ट्रिक दिखा रहे थे, तो हम भी आजमा के देख रहे हैं इसको, उबलती है चाय की नहीं। हाँ यार सही है तो। मैया इधर आओ, यहाँ से देखो कुछ आपको। ठीक है, आप भी इसे ट्राई करके देखना एक बार। मासी बन रही है हमारी मॉर्निंग टी, पता नहीं कितनी बार बन जाते हो तो। पर हमारे पीने की, लेकिन हमारे पीने की तो अभी बनी है ना। तो ये देखिए आप लोग भी पी लीजिए मॉर्निंग टी, अदरक वाली चाय, टेस्टी टेस्टी। सब्जी वगैरह बन गई, अभी करते हैं पैकिंग। और ज्योति बना रही है चाय, चीनी डालती है बहुत कम, जो कि हमें पसंद नहीं है। थोड़ी ज्योति, इतनी चीनी भी मत डालना यार, मुंह चिपक जाएगा। डाल लो तो तुम्हारे। शाबाश, फुर्ती से काम। मेरी चाय में थोड़ी चीनी कम है, पर मैंने तेरे भाई के सामने नहीं बोला। थैंक यू। कौन चखोर नहीं आता, इसको गोल आता है। वो तो मैं बता दूँ, मुझे आता ही है। इसका नाम हाँ अनु, अरुण, अरुण प्यार से दस ज़्यादा खुशी। मुझे सुबह नाश्ता नहीं बनाना पड़ रहा है, क्योंकि नाश्ता बनाने के लिए आए हैं ये। और छोटा चम्मच थोड़ी छोटी मिर्ची, लाल मिर्च, लाल मिर्च। और भाभी ले रही है सुबह सुबह चाय का मजा, जो मैंने बनाई है बहुत टेस्टी है ना। मासी भी सुबह सुबह चाय का, कैसी है चाय? बोल के देखो ना मैं। तो भाभी और कर रहे हैं यहाँ पे खाने की पैकिंग। यहाँ पे बन रही है रोटियाँ। और यहाँ पे खाने की पैकिंग हो चुकी है। ये तो मेरा भाई है। पोगो और ये तैयार, इसके इसको हमने नहला धुला के कर दिया है तैयार। अब इसके बालों में चम्पी कर रहे हैं, चम्पी। और इसका मैं चुंडियां बनाऊंगी, चुंडियां छोटी छोटी सी। और मैं इसके लिए दूध लेके आती हूँ, क्योंकि इसने सोना है अब। इसकी रबड़ अब तंगी होगी वहाँ पे, वो दे दे यहाँ पे। आंखों में आता ना बाल, इसमें दे यहाँ ड्रॉअर से ना। कंगी तो मिल गई। ये देखो पोगो की रबड़। पोगो ना हमारी बहुत शरारती होती है, ये मशीन में डाल देगा।
एक वो ना हमारी बहुत शरारती हो गई है आजकल ना, ये ना तो टाइम से सोती है ना सोने देती है हमारे को। अरे छुप छुप के देख रहे हैं यहाँ पे और अपना भी फिर से चलो बता दो, कल पोगो का बर्थडे है तो हमने अभी तक कुछ तैयारी नहीं की हुई है, तो हम सोच रहे थे कि क्या तैयारी करें। बेटा अभी हमें कुछ सूझ नहीं रहा है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, तो हम शाम को जाएंगे पोगो के लिए डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा सामान लेने, ज़्यादा भी ला सकते हैं। आप लोगों के लिए सस्पेंस है कि हम इसका बर्थडे करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, केक वगैरह काटना पड़ता है, लेकिन इतना खास बर्थडे नहीं है उसका इस बार। और जब हम हमारा मतलब काम वाम सब ठीक हो जाएगा तो उसके बाद ही हम इसका कोई एक एक टाइम भी नहीं होता ना, खाना भी पहुंचाना होता है, आजकल टाइम की भी शॉर्टेज है क्योंकि हमें टाइम पे। तो हम बर्थडे का अभी सोचेंगे, बैठ के बात करेंगे, उसके बाद ही डिसाइड करते हैं कि बर्थडे करना है कि नहीं करना है। और हमारी मेन प्रॉब्लम है कि हमारा है टिफिन सर्विस, जो मैंने आप लोगों को पहले ब्लॉग में भी बताया है, टिफिन सर्विस है, तो उसमें हमें टाइमली खाना पहुंचाना पड़ता है क्योंकि हमारा खाना जो है वो कंपनियों में जाता है। अगर मार्केट वगैरह हो तो फिर उसमें तो हम नॉर्मली 1 बजे या ऐसे आधा घंटा वगैरह लेट हो सकता है, लेकिन कंपनी का टाइमिंग है उसमें हमें टाइम टू टाइम खाना पहुँचाना पड़ता है। तो इसलिए अभी हम बैठ के बात करेंगे कि करना है इसका बर्थडे कि नहीं करना है, तो अभी देखते हैं फिर। तो जो अगर इसका बर्थडे करेंगे वो आप लोगों को पता लग ही जाएगा कि हम इसका बर्थडे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारा कोई डिसाइड नहीं है। ये देखो कितनी शांति से बैठी हुई है, इसकी देखो चोटियां भी बन गई है इसकी, अभी ये शांति से बैठी है। मैं तो शाम को पोगली गिफ्ट लेने जाऊंगी भाई, पर थोड़ा बहुत तो हम करेंगे ही, ऐसा नहीं है कि नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे वगैरह बुलाएंगे नहीं या घर घर के होंगे वो सब देखते हैं, बैठ के बात करेंगे तो ही फाइनल हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बारे में बताएंगे हमने तो क्या बात की, क्या बात की क्या बात नहीं की है वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, डेकोरेशन की है नहीं की है वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। थोड़ी तो हमने कर ही रखी है, लेकिन थोड़ी तो हमारी दिवाली की है ही है, जो आप सभी को बताया क्या है, नॉर्मली जो तो हमने दिवाली पे की थी वो तो है, बट जो हम इसके बर्थडे के बलून्स वगैरह या जो भी डेकोरेशन करेंगे वो हम आपको बाद में बता देंगे, इसलिए बाय बाय। मायरा का बर्थडे हो गया है शुरू, तो हम अभी कर रहे हैं रात को उसके केक कटवाने की तैयारियां। तो मायरा तो खुद ही पहुंच गया अपना बर्थडे का केक देख के, इसका रिएक्शन देखो वाओ। मायरा तो नीचे पड़ा था इसका पोगो, वाओ मायरा खुश हो गया। आ जाओ केक काटेंगे, आओ केक काटेंगे, ले नो मायरा और यत्ते खुश चलो मायरा बोले गए आओ कक्का माजरे वाला बारह बज भी गए। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हाँ ठीक है कैंची दे दादी दादी कद 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 कोई हैप्पी बर्थडे टू यू।
तो मार दो। मैं भी दूर हूँ, पंखा चलाऊंगा, थोड़ा सा। चल भाई मायरा सोने, अब हो गया हैप्पी बर्थडे, ठीक है, चलो सोने अब। चलो 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 आ गई हैप्पीज, हैप्पीज आ गई, हैप्पीज केक के चोर। रात को 12 बजे रसोई में घुसते और केक की चोरी करते हुए देखो देखो। और देखो केक की हालत क्या बना दी इन्होंने। गाइस पता चल रहा है केक का डिजाइन क्या था और क्या हो गया है, देखो गौर से। किसको? इसने खाया सारा केक। इसने काटा सारा केक। हाँ अब मोमबत्तियाँ जलानी। हाँ जी चलो। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी। मांझी से आओ ले बीड़ियाँ पीनी। मेरे को मत डालना व्लॉग में बस।